कर बड़ी ले लियो भाई भाई चल गए गिरे बाहर सर गाड़ी लेके आओ शादी कितना दिन शादी बेला 6 साल हो गए कैसे हुआ है ये घटना हमार माई आ रहा हमार भनोई मुखिया बाटे नवलपुर के आ देखू बहन बहन कने आ रहा ऊ गड़ी से अला का हमारा बहन के बहन बर मझली बहन भाई के मदारी के गड़ी से उड़ा के चल गल मदारी बढ़ गल बहन भाई हॉस्पिटल में भर्ती बा माँ जानकी में अब रमनीये सब कुछ करू बताऊ मुखिया से कथी के विवाद रहा के मुखिया से विवाद कुछ न रहा आ रहा
हमारा बहन के जान झगड़ा उगड़ा पहले जी, की नाम है उनका? चुमन पांडे नाम है। मुखिया के? कहाँ के मुखिया है? नवलपुर के। नवलपुर? जी जी। पंचायत कौन पड़े थे? नवलपुर शायद पंचायत। नवलपुर कथैया थाना में। कथैया थाना में जी। आई अब बहन के की नाम है? जे बहन के जे पति बेलती से गुड़िया नाम से बेल। तो अभी उनका से विवाद हुआ मतलब? कुछ विवाद न रहैया, कुछ विवाद न रहैया, काम उती में अलैया। बाप रे बाप, कई बेर जेल में से हुआ लगला, कहीं से कहा बेलैया कि हमारा मतारी के बिका दिल, कुछ न बेलैया। सवेरे तक ले बतियलक हमारा सेरे बाप। जख्मी है वो शादीशुदा है? हाँ, हमारे बहन है वो। मजली बहन है? उनका की नाम है? चांदनी। चांदनी। अब भाई एगो रवि नाम है भाई। वो सब यहाँ रही तरह लगे? हाँ, मुजफ्फरपुर में रह रहे रहा पावर हम चौक तो डेरा ले ले है किराया पर। पढ़ाई उढ़ाई करे तलक? हाँ, कथी में? इंटर में पढ़ रहा है। माँ ये लोग सब यहीं रहती थी? ना, माई घर रहा है पारू में। आए बेर सवेरे अलै आए बेर देखी अभी माई के हमरा गड़ी से मार के उड़ा दिले रे बाप। हमरा के फोन ए बेर कल हम अभी अब गाड़ी सूचना मिली कि चाणकपुरी मोहल्ला में एक कार से एक बाइक सवार को धक्का लगा, वहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई। स्पॉट हम लोग पहुँचे हैं, एक स्पॉट जो है और दो जख्मी है। जख्मी में एक महिला मर गई है और उसकी बेटी है और उसका बेटा है, तो लोग जख्मी हैं। मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है डेली को। दोनों जो जख्मी है माँ जानकी में इलाज चल रही है, उसी को देखने आए हैं। ऐसा ही आपसे भी बात का भी कोई मैटर इसमें आ रहा है? अभी वहाँ पर जो मृतिका का बेटा अपने बहनोई पर ही आरोप लगा रहा है कि वो जानबूझ के धक्का मारा है, लेकिन है अभी गाड़ी से धक्का ही लगा है, लेकिन उसका आरोप का भी जांच किया जाएगा। गाड़ी वगैरह भी बरामद हुई है? जो जिस गाड़ी पर सवार था मोटरसाइकिल वही गाड़ी जख्मी है, जो कार अभी बरामद नहीं हुई। मैं जादूगर जे आर गोगिया सरकार। तो और मित्रों, देखते रहिए मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़, जो आपको संदेश देता है हर एक खबरों का। नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो। समस्त शहरवासियों, जिले वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लोग शांति से, प्रेम से और सौहार्दपूर्ण तरीके से नव वर्ष मनाएं। हमारे नव वर्ष 2019 की सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं, और उनसे मुजफ्फरपुर का नगर आयुक्त होने के नाते मैं अपील करता हूं कि शहर को साफ सुथरा स्वच्छ रखने में नगर निगम को सहयोग करें। हम लोग शहर को स्वच्छता के पराकाष्ठा पर ले जाएं, ताकि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में मुजफ्फरपुर नगर निगम को एक बढ़िया रैंक भी मिल सके। नया साल 2019 देश के लिए खास है। 2019 में लोग देश में अपनी सरकार चुनेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जो विकास के काम बिहार में किए जा रहे हैं उसके आधार पर फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के साथ लोग अपने को जोड़ेंगे। मैं समस्त बिहारवासियों को अपनी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नया साल विकास का साल होगा, इसका भरोसा भी दिलाता हूं। मैं विकास कृष्ण, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जन क्रांति पार्टी, पार्टी की ओर से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं कि आप सभी का नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए और आप हमेशा हंसते गाते और मुस्कुराते रहें, आप नई ऊंचाइयों को छुए, ये भगवान आशुतोष से मैं प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र के सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी निकटतम प्रत्याशी जो नगर निगम के चुनाव लड़े हुए हैं और नगर आयुक्त महोदय को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। मैं दीपक सैनी निषाद, अधिवक्ता सह जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, आप सभी जिला वासियों एवं बिहार वासियों को इस नव वर्ष 2019 के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को जीवन की हार्दिक शुभकामना एवं आपके जीवन के मंगलमय कामना की शुभकामना देता हूं, एवं सभी लोगों के जीवन में धन धान एवं
सभी लोगों के जीवन में विकास हो, इसकी शुभकामना मैं करता हूँ। पूरे मुजफ्फरपुर शहरवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए 2019 जो खुशियों के साथ हमारा नया साल का आगमन हो रहा है, उसमें सभी शहरवासियों से अपील करता हूं कि नव वर्ष में शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ नया साल मनाने का काम करेंगे। और प्रशासन को भी मैं विधि व्यवस्था पर ध्यान देते हुए नव वर्ष में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बालाजी परिवार की तरफ से नव वर्ष मकर संक्रांति एवं 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष सभी लोगों के लिए खुशियों के पर्व है, इसको लोग शांतिपूर्वक मनाएं और इसका अच्छे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बालाजी परिवार अपने सेवा के लिए ही जानी जाती है। मैं जादूगर जे आर गोगिया सरकार और आपके शहर में पहली बार जादू के एक से बढ़कर एक नज़ारे को लेकर आया हूं, जो आज दिनांक 28 दिसंबर को संजय सिनेमा हॉल ब्रह्मपुरा में भव्य शुभारंभ इसका किया गया है, इनॉग्रेशन हो चुका है और बस इंतज़ार है आपके आने का, क्योंकि आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है जादू के एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज नज़ारे, जो आपको चौंका देगा और देखने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। रोजाना 3 खेल 300, दिन में 12:30 बजे, 3:30 बजे और संध्या 6:30 बजे देखना ना भूले मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जे आर गोगिया सरकार।